जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं आज ये भट्टा का अंदर का क्वालिटी कैसा निकला है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हो गया, ये जो ये हम लोग इसमें क्या किए थे, ये पूरा लकड़ी का चूल्हा बनाए थे। पहले आपको दिखाया था कि ये वाला लकड़ी का चूल्हा हुआ था, और ये चूल्हा का अंदर जो ईंट का ईंट निकला है, इसका कलर और क्वालिटी कैसा होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए इसका आवाज, इसका कलर, देखिए पूरा ये इसका जो कलर, ये वाला कलर आया ना, वो बहुत शानदार कलर निकला है। ये आपका ये पूरा इसका आवाज़ देखिए, पूरा छन छन आवाज़ करता है वो। ये पूरा इसका अंदर अंदर और भी क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा। हम लोग इसीलिए लकड़ी और कोयला और ये गाय का जो गोबर का जो छिलका होता है, ये मिक्स करके हम लोग जो देते हैं ना, और दूसरा का डिज़ाइन है, मगर इसमें अच्छा ईंटा निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादातर पसंद करते हैं। कस्टमर लोगों भी पसंद करते हैं ये वाला ईंट को। ये ऊपर का क्वालिटी है, ये ऊपर का क्वालिटी है, और ये लकड़ी इसको देखिए, ये क्वालिटी और वो क्वालिटी, ये उसका कलर और इसका कलर, ये लकड़ी का कलर है, ये कोयला का कलर है, बहुत अंतर होता है इसमें। ऐसे आगे आगे अच्छा अच्छा वीडियो देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और फिर दूसरा भट्टा ये चालू हो गया है, ये वाला को ये नीचे का लकड़ी का दिया हुआ है, इसमें इसको आग लगाना पड़ेगा। ये वाला को ये भी ऐसे 60,000 तक आ जाएगा इसका, ये वाला डिज़ाइन। ये पूरा कोयला लगाएगा, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, तो इसमें लकड़ी का देंगे तो वो भी वो गिरने का संभावना भी रहता है, इसीलिए हम लोग को इसको पूरा नीचे में लकड़ी का देते हैं और पूरा ऊपर में कोयला लगा देते हैं, क्योंकि ये गिरने का चांसेस नहीं है। बारिश का टाइम इसको पूरा अच्छा सा चारों तरफ से पूरा ईंट को काट के स्टैकिंग लगा के उसको रखना चाहिए, नहीं तो वो गिरने का भी संभावना रहता है। इसका भी गारंटी नहीं है, वो भी गिर सकता है। वो आग लगाने के बाद ठंडा जब हो जाएगा तब तो उसको हम लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।